हे दोस्तों, दिस इज सोनू बेंसला। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। इससे पहली वीडियो में मैं बता चुका हूँ जो केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, वो मतलब फिजिकल और इनऑर्गेनिक के मैं बता चुका हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी बोलने में हो जाता है। फिजिकल और इनऑर्गेनिक के मैं बता चुका हूँ, और इस वीडियो में बताऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने फिजिकल और इनऑर्गेनिक के इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए। तो आज इस वीडियो में सारे ऑर्गेनिक के, देखो मैंने यहाँ पे लिखे हुए सारे ए टू जेड क्वेश्चन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो लिखे हुए हैं। तो एक एक करके सभी चैप्टर्स के हम यहाँ पे बात करेंगे। एक नोटबुक ले लीजिए और नोटबुक में लिखना स्टार्ट कर दीजिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताऊँ। सबसे पहला है हेलो एल्केन एंड हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। ठीक है, इसमें से आप पांच टॉपिक्स में दूंगा, जो कि पांच चीजें हैं वो आप कर लेना, एक अभी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। जो इंपोर्टेंट है वो बता रहा हूँ, गारंटेड बताता हूँ, जो चीजें बताता हूँ ना वो गारंटेड बताता हूँ, इंपोर्टेंट है तो है, बस मान लीजिए। ठीक है, तो अब बात देखिए, सबसे पहले आईयूपीएससी नेमिंग। आईयूपीएससी नेमिंग में आपको बता दूं एक क्वेश्चन आपको मिलेगा पक्का। आईयूपीएससी नेमिंग कौन सी आएगी वो मैं नहीं बता सकता कि कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, इतना नहीं बता सकता, लेकिन आईयूपीएससी नेमिंग का एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपको है सैंडमियर रिएक्शन एंड वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ये दो रिएक्शन है जो बहुत ज्यादा रिपीटेड होती है एग्जाम में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, सैंडमियर रिएक्शन और वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन, थोड़ा स्पेलिंग में देख लेना, बोलने में फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन को भी आप कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक डीडीटी का स्ट्रक्चर है वो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कभी बार देखा है ना कि आप, जब मैंने कई स्टूडेंट से पूछा है, बोलते हैं, बता रहा था मेरे वो कि डीडीटी का स्ट्रक्चर कर लेना, बट नहीं करके गया कि नहीं आएगा, पर वही क्वेश्चन आ गया। तो एक वन मार्क्स का क्वेश्चन आपका आएगा डीडीटी का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको कर लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। और कन्वर्जेंस, ठीक है, इससे आपको इसमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्जेंस एक आपको जरूर मिलेगी, एक नहीं मैं कह सकता हूँ थ्री मार्क्स में आपका क्वेश्चन आएगा, और थ्री मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे आपको वन टू और थ्री, ए बी और सी, तीन कन्वर्जन दी होगी, वो आपको करनी होगी, थ्री मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कन्वर्जन से। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि अल्कोहल फिनोल एंड ईथर, गारंटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ। सबसे पहला कन्वर्जन का, जो ए से बी बनेगा, बी में ये अपने डाला तो सी बना, सी से डी मिला, तो जब डी बन गया ना तब आपसे पूछेगा फाइंड ए बी सी डी या फाइंड बी सी डी बाई फाइंड बी सी डी ई एफ, ये चीजें आपसे पूछेगा, गारंटेड बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन आएगा आपके में। ठीक है, तो ये जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इंटेक्स्ट है और एग्जाम्पल है, ये सभी कर लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, पक्का आएगा, मैंने जब दिया था जब भी आया था, और उस साल से हर बार आता है, पिछले साल भी आता था। ठीक है, उसके बाद है नेमिंग रिएक्शन, दो तीन नेमिंग रिएक्शन और बता रहा हूँ, रेमन टीमन रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन एंड फ्रेडलक्राफ्ट रिएक्शन। ये तीन रिएक्शन इस चैप्टर से बिल्कुल करके जाना है। ठीक है, दो तीन रिएक्शन ऊपर वाले चैप्टर में बताई थी, और दो तीन रिएक्शन यहाँ पे बता रहा हूँ। ये रिएक्शन को ना कॉपी में लिख लेना, एक अलग कॉपी में इन सबको लिख लेना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद परोक्साइड इफेक्ट और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आप कर लेना, हाइड्रोबोरेशन का, क्योंकि कई बार क्वेश्चन मैंने देखा आता है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर, जो कि एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। ठीक है, और जो मैथ्स और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी एक दो दिन में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हो, सभी सारे चैप्टर्स के प्रोवाइड करा दूंगा। अब देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, सबसे पहले टेस्ट, और टेस्ट में भी आपका सबसे पहला टॉलेंस जो है, टॉलेंस वो वाला देख लेना, और आइडोफॉर्म इंपॉर्टेंट है, आइडोफॉर्म का एक या दो क्वेश्चन आपको मिलेगा पक्का, गारंटेड मिलेगा, मैं सही बोल रहा हूँ। ठीक है, गारंटेड, हो सकता है थ्री मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछे, तीन रिएक्शन दे दिए आपको, उनमें टेस्ट आपको करना है तीनों में। ठीक है, वो आपको पूछा जाएगा। सेकेंड है रिएक्शन लिख लीजिए, फिर इस चैप्टर में भी रिएक्शन लिख लीजिए, सिनाजारो, रेजनमुंड और क्लेमसन रिएक्शन, ये तीनों रिएक्शन ये पढ़ लेना। ठीक है, तीन रिएक्शन हो गई, इसके बाद शायद मुझे लगता नहीं रिएक्शन होंगी। ठीक है, एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, इसमें देख लेना है, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार देख लेना है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड, ये क्वेश्चन आ सकता है, जो जैसे कन्वर्जन का ए बी सी डी वाला है, ऐसे ही ये क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड, आपको कंपाउंड पहचानना पड़ेगा, ये से ये बना या ये से ये बन गया, तो इसका बीच का जो रिएजेंट है वो क्या हुआ। ठीक है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो उसके बाद आ जाइए एमीन, जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका, हुआ है एमीन। ठीक है, अब इसमें देखिए दो रिएक्शन और देख लीजिए, कपलिंग रिएक्शन और गार्बिल थेनामाइड सिंथेटिक। ठीक है, इस इन दोनों को और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपकी रिएक्शंस खत्म, नेमिंग रिएक्शन सारे। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइंस। ठीक है, तो इनमें अब आपको ये दे दिया जाएगा, इनमें सारे आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर या 1 2 3 में आपको पूछा जाएगा कि कौन सा 1 है कौन सा 2 है। देखो मेन जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको पूछा जाएगा कंपैरिजन में या डिफरेंस में, आपको 1 डिग्री और 2 डिग्री में डिफरेंस बताइए, या किन से डिफरेंशिएट हो सकते हैं टेस्ट बताइए, ये पूछा जा सकता है कि इनको आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए।
ठीक है। तो इसके बाद है हॉफमोन रिएक्शन और डाइजेशन रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शंस को और पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद है बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स में आप क्या पढ़ोगे, बायोमोलिक्यूल्स में आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पूरा थ्योरेटिकल जो चैप्टर है उसमें ज़्यादा कुछ आपको पूछा नहीं जाएगा, बस दो तीन चीज़ें बता रहा हूँ वो जरूर पढ़ लेना। सबसे पहले और बेसिक डेफिनेशंस आप पढ़ लेना, एक सारी डेफिनेशंस आप पढ़ लेना। उसके बाद बेसिक एंड एसिडिक एमीन्स जो है उनको देख लेना एक बार, ठीक है, एक बार देख लेना जरूर बस। उसके बाद है लिंकेज एंड विटामिन्स, विटामिन्स को तो छोड़ो लेकिन लिंकेज को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि लिंकेज से एक या दो क्वेश्चन आपके जरूर मिलेंगे, लिंकेज, ठीक है, लिंकेज याद रखना है बस। जब बायोमोलिक्यूल्स खोलो तो लिंकेज जरूर पढ़ने हैं, जितने भी तरह के लिंकेज होते हैं वो सारे आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। उसके बाद है डीएनए और आरएनए में देख लेना है, डीएनए और आरएनए डिफरेंस देख लेना है या उनके बारे में इंफॉर्मेशन देख लेना सारी। उसके बाद है पॉलीमर, पॉलीमर तो मैं आपको बताऊं यार बहुत अच्छे से, मतलब हमने जब पढ़ा था ना बहुत अच्छे से पढ़ा था, जिस टीचर से मैंने पढ़ा था एलन कैरी इंस्टीट्यूट में कोटा में पढ़ा था, अनूप अरोरा सर है जिन्होंने पढ़ाया था, यार बहुत अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ाई थी, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि रटवा दी थी केमिस्ट्री, और उसी एक्सपीरियंस से मैं आपको बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने जब हमको पढ़ाया था ना एक ही दिन में कि आज पॉलीमर खत्म करते हैं, लेकिन पॉलीमर तो ऐसा रटवा है ना उन्होंने, मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से कर दिया था हमने पॉलीमर, ठीक है। तो पॉलीमर में वही चीज़ें इंपॉर्टेंट बताऊंगा, सबसे पहले होमोपॉलीमर क्या होता है, कोपॉलीमर क्या होता है और कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है, इन तीनों पॉलीमर्स में डिफरेंस देख लेना कि क्या होता है होमोपॉलीमर, क्या होता है आपका कोपॉलीमर और क्या होता है आपका कंडेंसेशन पॉलीमर, ये तीन पॉलीमर ध्यान रख लेना बस, ठीक है। उसके बाद आ जाओ जितने भी आपके पॉलीमर है उनमें से जो इंपॉर्टेंट है उनके आप स्ट्रक्चर पढ़ लेना और उनके मोनोमर, मोनोमर तो पूछा जाएगा, गारंटेड बोल रहा हूँ, मोनोमर तो पूछा जाएगा, ठीक है। अब उनके मोनोमर पढ़ लेना जो इंपॉर्टेंट है उनके, जैसे नायलॉन 6, 6 नायलॉन 6 और इनके सभी के जो मोनोमर है वो पढ़ लेना, उनका स्ट्रक्चर भी देख लेना, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको गारंटेड मिलेगा इनमें से, थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक या तो इनमें डिफरेंस पूछ लेगा थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में, या इनमें से कोई एक पूछ लिया जाएगा, ठीक है, उन दोनों पे आप ध्यान रखना। और फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ ईथर, ठीक है, इसका मैकेनिज्म जरूर पढ़ लेना पॉलीमर में, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ ईथर का फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, ये पढ़ लेना, गारंटेड क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है, गारंटेड, क्योंकि हर बार पूछा जाता है। लास्ट चैप्टर है गया आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा यार बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एक बार लाइक कर दीजिए और वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, अगर और भी इंफॉर्मेशन और भी ऐसी वीडियोज चाहते हो तो, ठीक है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में बता दूं आपको, सबसे पहले फूड प्रिजर्वेशन डिटर्जेंट, ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन देख लेना एक बार, डिटर्जेंट के बारे में देख लेना, और आपका एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, हाँ इसमें से क्वेश्चन आएगा एंटी डिप्रेसेंट ड्रग में से देख लेना, और एक आएगा वैल्यू बेस्ड, जो कि वैल्यू बेस्ड तो मतलब पढ़ने के बाद यार थोड़ा सा इजी होता है, बहुत इजी, थोड़ा सा नहीं इजी होता है, वो आप कर लोगे, बट एंटी डिप्रेसेंट ड्रग और फूड प्रिजर्वेटिव्स, फूड प्रिजर्वेशन आप पढ़ लेना, ठीक है। तो यही था बस ऑर्गेनिक में, इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ फिजिकल और इनऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक में यहाँ पे मैंने बता दिया है, तो इससे ज़्यादा आपको, मेरे को लगता नहीं है कि आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है। अगर आपके पास 10-15 दिन है और आप चाहते हो कि आप पास हो जाओ, या आप एक मतलब अच्छे से मतलब 50-60 के बीच में आप लेके आ जाओ, ठीक है, तो वो आप इनसे लेके आ सकते हो बहुत आराम से। अगर आप इन सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आप 100 में से 80 पहुंच जाओगे, 100 में से 80 के मतलब 70 से अगर लगाओ तो 70 में से आप 60 तक तो पहुंच ही जाओगे, 55-60 पे पहुंच जाओगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।